नोएडा में युवती की पांचवीं मंजिल से गिराकर हत्या करने का मामला सामने आया है। थाना सेक्टर 49 इलाके में रहने वाली युवती की मौत के बाद आरोपी युवती की लाश को लेकर कई घंटों तक फरार रहा। मोबाइल लोकेशन से पुलिस ने गाजियाबाद के लालकुआ इलाके से ऑटो में लड़की की लाश के साथ आरोपी को हिरासत में लिया है। मृतक युवती के भाई ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। परिजनों का आरोप है कि आरोपी शख्स पहले भी युवती के घर में घुसकर छेड़छाड़ और परिजनों से बदसुलूकी कर चुका है। घर वालों ने पुलिस से शिकायत के बाद भी आरोपी पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। दरअसल 8 नवंबर को थाना सेक्टर 49 क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम हुशियारपुर के स्थानीय व्यक्तियों ने पुलिस को सूचना दी कि युवती, जिसकी उम्र 22 साल है, मेन मार्ग हुशियारपुर में एक बिल्डिंग से कूद गई है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। सूचना पर तत्काल थाना सेक्टर 49 पुलिस द्वारा मौके पर पहुंची तो मौके पर मौजूद परिजनों ने बताया कि गौरव नाम का एक युवक, जो कि लड़की से पूर्व से संपर्क में था, उसने मारने की नीयत से लड़की को धक्का दिया था तथा मृतका का शव को लेकर भाग गया है। जानकारी के आधार पर स्थानीय पुलिस टीम ने आरोपी गौरव को लड़की की लाश के साथ गाजियाबाद के पास से हिरासत में लिया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर थाना सेक्टर 49 पर FIR दर्ज कर ली गई है। आरोपी युवक, जो युवती का शव लेकर फरार हुआ था, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। शुरुआती जांच में सामने आया है युवती ने आरोपी के साथ दोस्ती नहीं कबूल की तो आरोपी ने बिल्डिंग से उसे गिरा दिया और लड़की की हत्या कर लाश को अपने साथ लेकर भाग गया था। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। आपका नाम? मेरा नाम कुणाल है। कुणाल, आज क्या घटना हुई आपके परिवार में? आज घटना ये हुई कि एक लड़के ने मेरी बहन को छत पे से फेंक दिया, चौथी मंजिल से। अच्छा, हाँ। कौन था वो लड़का? वो लड़का उस लड़के का पीछा करता मेरी बहन का बहुत दिन से। अच्छा, तो आपने कभी इसकी शिकायत करने की कोशिश करी पुलिस के पास? ऐसा भी एक महीने पहले शिकायत की थी। वो घर पा के 32 का गया था। सुबह सुबह 6 बजे का टाइम था जी। कंप्लेंट करी गई पुलिस में, पुलिस से कंप्लेंट करी गई तो उसके बाद वो लड़का आया वहाँ पे, वो पकड़ा गया। पुलिस वाले ने थाने गए, थाने में जाके पुलिस वाले ने हमें डरा धमका के किसी भी कारण से हमें से लिखवा लिया कि समझौता कर लो, कुछ नहीं होगा। तो हमने समझौता कर लिया, उस लड़के को छोड़ दिया गया। हमने कहा कि अब इस पर एक्शन लिया जाए, कल को हमारी बहन को मार दे तो क्या होगा। तो उनका समझौता कर लो, कुछ नहीं होगा, वैसी गलती से हो गया होगा, लड़का माफ़ी मांग रहा है, इस तरीके से उसने कर दिया। आज पूरी क्या घटना हुई? आज पूरी एक घटना हुई, सुबह लड़की निकली, मेरी बहन जो थी सुबह निकली, और निकलने के बाद वो मेरे से कह रही थी कि भैया मुझे छोड़ा वहाँ पे ऑफिस तक, बट मैं किसी कारण नहीं कर पाया, पापा का ऑफिस जाने के कारण, तो वो चली गई। अब उस टाइम थोड़ी देर बाद ही वहाँ से हमारे जीजा निकल रहे थे, वो उन्होंने देखा कि उस छत के ऊपर से उस लड़की को फेंक दिया गया। उस लड़के ने, वो लड़का तुरंत नीचे आया, कहने लगा ये मेरी बहन है। उस लड़की को उठा के वो सीधा पता नहीं कहाँ ले गया। सुबह से ढूंढते हमें 5 बज गए जब जाके लड़की मिली हमें मेठवाल रोड पर, जहाँ की वो पता नहीं कहाँ लेके जा रहा था उसे जलाने के लिए। अच्छा, तो वो लड़का कबूल कर रहा है कि मैं जलाने ले जा रहा हूँ? हाँ, जब हमने वो लड़का पकड़ा तो उस लड़के ने गाड़ी में अपने बयान दिए हैं। वो कह रहा है कि हाँ, लड़की को मैं जलाने लेके जा रहा था और लड़की को मैंने मार दिया जान से, तो मेरा कुछ नहीं पाड़ सकते, इस तरह से धमकी दे रहा था। धमकी दी और उसके आँखों में बिल्कुल वो नहीं था, वो हमें मारने की धमकी दे रहा था, तो मैं कुछ नहीं कर सकते। अब पुलिस क्या कह रही है? हम पुलिस के पास गए हैं, अब पुलिस ने रिपोर्ट लिखी हुई है और पुलिस हमें उल्टा धमका रही है, अभी भी धमका रही है पुलिस। हाँ, पुलिस हमसे सीधे वो बात नहीं कर रही और हम पे हट रही है पुलिस। अभी आप कहाँ खड़े हुए हैं? अभी सेक्टर क्या खड़ा हुआ हूँ। सेक्टर 49 में ये सूचना प्राप्त हुई कि एक युवती छत से कूद गई है, जिसे लेके उसके परिजन अस्पताल गए हैं। मौके पर पुलिस पहुँची तो ज्ञात हुआ कि ये 22 वर्षीय युवती छत से गिर गई है या कूद गई है, और उसका जो भाई है गौरव, वो उसे लेके अस्पताल गया है। वहाँ पूछताछ की गई तो ज्ञात नहीं हो पाया किस अस्पताल गया है। फिर जानकारी करने पे मालूम चला कि ये जो युवक गौरव है उसका भाई नहीं है, तो उसका मित्र था और विगत कई वर्षों से इनकी आपस में दोस्ती थी। ये युवती इस युवक से दोस्ती नहीं रखना चाह रही थी, लेकिन युवक उसके पीछे पड़ा हुआ था। इस बात की कंप्लेंट भी 29 सितंबर को थाने पर की गई थी। दोनों के परिजन भी आए थे और लड़के द्वारा वहाँ पर गलती मानी गई, स्वीकार किया गया कि वो अब लड़की से कोई संपर्क नहीं रखेगा। लिखित में उनके द्वारा एप्लीकेशन दी गई, जिसका GDP तस्करा भी पड़ा हुआ है। पुलिस द्वारा एहतियातन 151 में इसको गिरफ्तार भी किया गया था, और ये व्यक्ति आज उससे मिलने आया लड़की से पुनः, और इसके द्वारा ज़बरदस्ती की गई कि लड़की उसके संपर्क में रहे, लड़की द्वारा मना किया गया तो इस युवक द्वारा उसे धक्का दे दिया गया और यहाँ से उसकी डेड बॉडी लेके भाग रहा था। पहले गाजियाबाद गया, उसके बाद मेरठ की तरफ जा रहा था, ये फ़ोन नहीं उठा रहा था। सर्विलांस से इसका लोकेशन ट्रेस किया गया और पुलिस युवती के परिजनों को लेकर साथ में गई और गाजियाबाद से इसको पकड़ा गया। पकड़े जाने पर इसने सारी घटनाक्रम स्वीकार किया, इसे लेके वापस आया गया। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से नितिन चौधरी की रिपोर्ट।